आप देख रहे हैं CN24। गोरखपुर जिले में पिछले दो दशकों से बंद पड़ी सरैया सुगर मिल की जमीन पर कोरोना महामारी के बीच भू माफियाओं की नजर पड़ गई है। भू माफिया इस आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। ये आरोप चौरी चौरा के रहने वाले वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व निदेशक कोऑपरेटिव बैंक यूपी काली शंकर ने लगाए हैं। उन्होंने गोरखपुर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार को पत्र लिखकर भू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है चौरी चौरा की सरैया चीनी मिल पर गन्ना किसानों व श्रमिकों का 83 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया होने पर व समय पर भुगतान न होने के कारण प्रशासन ने सरैया चीनी मिल का अधिग्रहण कर लिया है। प्रशासन सरैया चीनी मिल को नीलाम कर गन्ना किसानों और श्रमिकों का भुगतान करना चाहता है। अब तक कुल 19 बार स्थानीय तहसील प्रशासन ने सरैया चीनी मिल के नीलामी की प्रक्रिया कराई है, लेकिन प्रशासन के हर संभव कोशिश के बाद भी आज तक नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। चौरी चौरा की सरैया चीनी मिल आजादी के पहले की बनी हुई है। यह चीनी मिल पिछले दो दशकों से अधिक समय से बंद पड़ी है। फिलहाल चीनी मिल व आसपास की जमीन प्रशासन ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन चीनी मिल परिसर के अंदर लाल कोठी के बगल की जमीन को आबादी की जमीन बताकर प्लाटिंग करा रहे हैं। इसमें सरैया प्रबंधन समिति के लिए कार्य करने वाले लोगों के होने का भी आरोप है। इसके अलावा सरैया चीनी मिल के चारों तरफ आसपास के लोग अतिक्रमण पिछले कुछ वर्षों से करने में जुटे हैं, जिसकी जानकारी सपा नेता काली शंकर को स्थानीय लोगों के माध्यम से हुई तो उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। चौरी चौरा विधानसभा में स्थित सरैया सुगर मिल की जमीनों को भू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। इस संदर्भ में आज हमने जिलाधिकारी गोरखपुर से वार्ता किया तथा उन्हें ज्ञापन प्रेषित कर मांग किया कि तत्काल भू माफियाओं और मिल प्रशासन के कुत्सित मानसिकता के वजह से जो भूमि बेचने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए। इस संदर्भ में एसडीएम चौरी चौरा को भी हमने ज्ञापन आज प्रेषित करवा दिया है और तत्काल इस अवैध ढंग से बेचे जा रहे चीनी मिल की जमीन को रोकने की मांग किया है। अन्यथा हम हजारों किसानों के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हजारों किसानों का करोड़ों रुपया गन्ने का बाकी लाल कोठी पर कार्य करने वाले व उससे जुड़े लोगों ने इस मामले में CN24 संवाददाता से सफाई में बताया कि ऐसा है कि पहले तो ये शुगर मिल की जमीन है नहीं, ये दिलीप सिंह मजेठिया साहब की जमीन है, जो कि सुखदेव सिंह मजेठिया, गुलाब सिंह मजेठिया साहब के बेटे हैं, उनका जन्म यहीं पे हुआ है, उन्होंने सब लिया है। टोटल उन्होंने वो किया है, दिलीप सिंह मजेठिया साहब ने उनको दे दिया है। तो इंटर कॉलेज बजडीला के भी वो प्रबंधक हो गए हैं। तो ये लोगों ने जो भी कहा है ये गलत बात है, व्यक्तिगत उनके नाम पे है तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे किसी को इतराज होना नहीं चाहिए। सरदार नगर में मजेठिया कोठी में, लाल कोठी में एक ज़मीन बेचने की बात सामने आई है। वो ज़मीन ऑलरेडी दिलीप सिंह मजेठिया की है। 1971 के अवार्ड में बंटवारे में ये इनको मिला हुआ है, इनका रियायत है। लगभग ये 1934 से इनकी अपनी रियायत है वहाँ, और ये ज़मीन ऑलरेडी 1982-83 समथिंग इसी समय में सरैया सुगर मिल और दिलीप सिंह मजेठिया के बीच में एक मुकदमा हुआ, जिस मुकदमे में सरैया सुगर मिल हार गई और दिलीप सिंह मजेठिया के पक्ष में तहसीलदार सदर ने एक आदेश किया कि यह इनकी रियायत है और इनकी पर्सनल संपत्ति है, इसमें कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बेच रहे हैं तो इसमें किसी को किसी के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं होता है।